फसल चक्र में देखने को मिल रहा है परिवर्तन। पुराने दौर में बाजरे की खेती करने में किसान काफी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन समय के साथ बाजरे की खेती विलुप्त होता चला गया और धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती चली गई। इसी कड़ी में सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के रहने वाले किसान नंद किशोर अपने 3 एकड़ के खेत में बाजरे की खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किए जाने के बाद भारत एवं बिहार सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। विलुप्त हो रही बाजरा, रागी, कौनी, ज्वार सहित अन्य मोटे अनाज के बीज अनुदानित दर पर कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए। अब जिले के कुछ प्रगतिशील किसानों ने सरकारी सहायता या स्वयं के बलबूते पर मोटे अनाज की खेती शुरू की है। किसान बताते हैं कि बाजरे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, कई रोग में यह काम आता है। 70 कटैया प्रखंड के बरसेर निवासी प्रगतिशील किसान नंद किशोर अपने 3 एकड़ के खेत में बाजरे की खेती की है। उन्हें जिला कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर बीज एवं कुछ दवाई उपलब्ध कराई गई है। जी, मेरा नाम नंद किशोर खान, घर बरसेर है, 70 कटैया प्रखंड। और हमारे यहाँ पूर्व में बाजरा का खेती होता था, पूर्वज के द्वारा लगाया जाता था, इस बीच में ये गायब हो गया 3-4 दशक। तो इस बार हमको काफ़ी जिज्ञासा था हम लोगों को बाजरे का बीज उपलब्ध हो, और कई बार कृषि विभाग के मीटिंग में ये रखा जा रहा था, और इस बार विभाग ने इनको गंभीरता से लिया और केंद्र बिहार का प्रायोजित योजना था उसके तहत जिला कृषि पदाधिकारी, हमारे सलाहकार, सभी लोग आकर के इन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग बाजरे की खेती के लिए अगर तैयार हैं तो कुछ बीज उपलब्ध करेंगे, और उस स्तर से बीज और कुछ दवाई का सहयोग हुआ। और हम लोगों ने इसको प्राथमिकता दिया कि बराबर न्यूज़पेपर में हर जगह देखते थे कि इस बार 2023 को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कि मोटे अनाज का खेती अगर नहीं होगा तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर होगा। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं इसका शुरुआत किया जाए, और इसका उपलब्धि हुआ, और इसके लिए कृषि विभाग का सहयोग, खास करके बीज का उपलब्धता बड़ा बात था, ये उपलब्ध हुआ और इसको हम लोग लगाए। थोड़ा चिंता तो था कि कैसा उत्पादन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन इसका जो रूप देख रहे हैं अब ये खिल चुका है, फल्ला दाना बन चुका है, लगता है पैदावार अच्छा होगा, और मूल रूप से स्वास्थ्य को सुरक्षा की दृष्टि से इसका खेती अनिवार्य है। हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वज का जो खान पान जीवन शैली था वो बेपटरी हो गया, और जो रोग विदेश का था, हाइपरटेंशन, शुगर, बीपी, ये सब चीज़ हमारे गांव इलाके में नहीं था। हम लोगों ने महसूस किया है कि निश्चित रूप से हमारे खान पान से कुछ लोग, कुछ वस्तु, कुछ अनाज हट गया है, हमारे जीवन शैली पर इसका बुरा असर हुआ है, और पुनः हम लोग सरकार के द्वारा भी निर्धारित है, स्वास्थ्य संगठन से भी निर्धारित है, और ये तो हमारे पूर्वज का दैन था ही, इसको पटरी पर लाने का प्रयास किए हैं। इस बार 2 से 3 एकड़ में इसको लगाए हैं, और उम्मीद है कि अच्छा पैदावार होगा।